जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC स्टाफनर्स एडमिट कार्ड 2021 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आप इस प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं, और उसका प्रोसेस कैसा रहेगा वो भी आपको यहां पर मैं अभी बताने वाला हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सीटैट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 संपूर्ण गाइड बुक के बारे में, जो कि पब्लिश की गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और चक्षु पब्लिकेशन एक ऐसा पब्लिकेशन हाउस है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक को सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से लेकर के आता है, और इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए सबसे पहले लेकर के आया है सीटैट 2021 संपूर्ण गाइड बुक, जहाँ पर दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा वो आपको नवीन पाठ्यक्रम मिलने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आपने सीटेट के अंदर पार्टिसिपेशन किया है तो आपको मालूम होगा कि 30 जुलाई का एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर आपको बोला था कि आपके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को तैयार किया गया है। आपको यहां पर सभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जानकारी इस बुक के अंदर मिलने वाली है, जिसमें कि जो मेनली आपकी डिटेल्स कवर की गई है वो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, ये आपकी इसमें मेन सब्जेक्ट है। जहां पर दोस्तों आपको सीटेट पाठ्यक्रम अनुसार थ्योरी मिलेगी, इसमें आपको 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्याख्यात्मक हल सहित यानी कि आपको यहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस की इस बुक के अंदर दी गई है। साथ ही साथ आपको 2 सोल्ड पेपर 2020 और 2019 के इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं। और जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इसमें आपको न्यूनतम पैटर्न पर जानकारी दी गई है, न्यूनतम आपका पाठ्यक्रम अनुसार है यानी कि आपका न्यू सिलेबस है और न्यू पैटर्न है जो कि चेंजेस हुए हैं सर्कुलर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। और ये बुक आपकी हाल ही में जितनी भी बुक्स आई है या फिर आएगी उन सब में बेस्ट है। ये बुक ऐसी है जहां पर आपको किसी अन्य बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस बुक के माध्यम से अपनी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि चक्षु पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है इंडिया का, इसलिए आप यहां पर इस बुक के आधार से अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये जो बुक है ये आप ऑनलाइन तो बाय कर ही सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने ही वाला हूं, और साथ ही साथ आप लोग इस बुक को ऑफलाइन वे में भी परचेज कर सकते हो। ये आपको सभी बुक शॉप के ऊपर बुक मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों अब आप लोग इसका शॉर्ट प्रीव्यू देख लीजिए। वैसे मैंने आपको हेडिंग्स बता दिए प्रीव्यू में, आप यहां पर ये देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस की कितनी डिटेल में जानकारी दी गई है। तो यहां पर आपको पूरी जानकारी इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी, एंड ये जानकारी आपको रियल बुक के अंदर दी गई है जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये एक वन ऑफ बेस्ट बुक है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी ये देना चाहूंगा कि जो आपके सीटेट एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट होते हैं इनकी अलग अलग से भी बुक आती है और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिनको लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन और भी मजबूत यानी कि और भी बेहतर कर सकते हो। तो अगर आपको अलग से सब्जेक्ट की वाइज प्रिपरेशन करनी है और उनकी बुक लेनी है तो इनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, आप यहीं से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करके और भी मजबूत कर सकते हैं। सो गाइस देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और इन बुक्स को परचेज करके अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको बाय के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले आप जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो ये आपका डाउनलोड लिंक है, मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था। यहाँ पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है जो कि आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की थी। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और जो वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपको एंटर करना है। देन आपको डाउनलोड
एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस मैं आपको एक अन्य वीडियो से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया था और मेरे पास किसी कैंडिडेट की जानकारी भी नहीं है जो कि मैं आपको रियल प्रोसेस दिखा सकूँ। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन डेट आपको 3 अक्टूबर 2021 देखने को मिल पा रही है। अभी मैं एडमिट कार्ड की डिटेल्स के बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं वो इसको कैसे रिकवर कर पाएंगे। तो आपको यहां पर नीचे देखने को मिल पा रहे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहां पर अपना नेम एंटर करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। यहां पर आपको अपना फादर या हस्बैंड नेम देना है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहां पर वेरिफिकेशन कोड डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट था फीस जमा के साथ में तो आपको आपका यहां पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। फिर आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके यहां पर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ सही है और तब भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप यहां पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो कि ये एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जेंडर सेलेक्ट करना है एंड यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना है। अब चलिए मैं आपको एडमिट कार्ड के डिटेल्स तो अभी आगे बताने ही वाला हूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते हैं तो आप कैसे मुझे अपनी जानकारी भेजेंगे। तो आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको यहां पर होम पेज से jobsgyan.in वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर नीचे आना है, नीचे आकर के आपको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेम के अंदर आपको वही नेम देना है जो कि आपने फॉर्म भरते समय दिया था। ईमेल आईडी आपको यहां पर अपनी देनी है। फोन नंबर के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है क्योंकि वहीं पर मैं आपको आपके एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड करूंगा। मैसेज के अंदर आपको जो जानकारी मुझे सेंड करनी है वह है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ये तीन चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वे में सेंड करनी है क्योंकि इनके बिना तो मैं भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकता। इसलिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बताना है और आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये जानकारी आपकी मेरे पास आ जाएगी और फिर मैं जितनों का भी हो सकता है उतनों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। फ्री सेवा है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड के डिटेल्स के बारे में। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, इसमें आप यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम देख सकते हो, सेंटर कोड एंड नेम आप यहां पर देखेंगे। जिस कैंडिडेट का ये एडमिट कार्ड है उसका सेंटर गोरखपुर के अंदर है। सेंटर एड्रेस यहां पर दिया है। एग्जामिनेशन डेट 3 अक्टूबर 2021 है। सुबह की शिफ्ट में इनका एग्जाम है, सुबह 11 से लेकर के दोपहर 1 बजे तक। सब्जेक्ट कोड आपको यहां पर देखने को मिल पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इस एडमिट कार्ड के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए होंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद कहीं पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो इसी प्रकार से आप लोग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2021 को डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।